नमस्कार प्रियजनों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपके अपने शुभचिंतक। भाई बहनों, गणेश चतुर्थी महोत्सव आ गया है। इस पर्व पर पूरे भारत में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इस दिन श्री गणेश भगवान का प्राकट्य हुआ था। इस दिन गणेश जी की पूजा से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में खुशियां देते हैं। हमें हमारे सभी कार्यों की विघ्न बाधाएं दूर करते हैं और शुभ लाभ देते हैं। गणेश चतुर्थी को पूजा इस प्रकार करें, गणेश जी की मूर्ति या चित्र की स्थापना एक चौकी पर करें। अगर पीले रंग के गणेश जी की स्थापना करें तो विशेष लाभ होगा। गणेश जी के आगे घी का दीपक प्रज्वलित करें, उनको पीले फूल और पीले फल अर्पित करें, गणेश जी को सिंदूर भी अर्पित करें और पीले मोदक यानी के लड्डू उनको भोग लगाएं। गणेश जी को दुर्वा भी अवश्य अर्पित करें क्योंकि ये गणेश जी को बहुत प्रिय है। इसके बाद गणेश जी को पीला वस्त्र अर्पित करें और गणेश जी के संकट नाशन स्तोत्र का भी पाठ करें। परनमय शीर्षा गौरी देवी पुत्र विनायकम वाला पूरा स्तोत्र पाठ करें। गणेश जी के बारह नामों का भी उच्चारण करें, बहुत लाभ होगा। गणेश जी के मंत्र की एक माला जप करें, ओम गणपतये नमः, इस मंत्र को पूरी तरह से जपें। गणेश जी कथा और महत्व का भी श्रवण करें, अंत में आरती करें, कपूर जलाएं, मोदक का प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करें और सबको वितरित करें। इस दिन व्रत उपवास रखें तो जलाहार फलाहार से रखें और सायंकाल चंद्रमा को आंखें नीचे करके अर्घ्य दे क्योंकि ये कलंक चतुर्थी कहलाती है और इस दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। देखने पर कोई ना कोई दोषारोपण लग जाता है। दोषारोपण अगर लग जाए, अगर आप चांद देख लें तो आप कृष्ण जी की स्तुति करके उपचार कर सकते हैं। अब गणेश जी की कथा संक्षिप्त रूप से इस प्रकार है। एक बार भगवान शंकर स्नान करने के लिए भोगवती नामक स्थान पर गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती ने अपने तन के मैल से एक पुतला बनाया जिसका नाम उन्होंने गणेश रखा। गणेश को द्वार पर एक मुद्गल देकर बैठाया कि जब तक मैं स्नान करूं किसी पुरुष को अंदर मत आने देना। भगवती पर स्नान करने के बाद जब भगवान शंकर आए तो गणेश जी उन्हें द्वार पर रोक दिया। क्रुद्ध भगवान शंकर ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। पार्वती जी ने समझा भोजन में विलम्ब होने के कारण शंकर जी नाराज हैं। उन्होंने फौरन दो थालियों में भोजन परोसकर शंकर जी को भोजन करने को बुलाया। शंकर जी ने दो थाल देखकर पूछा, दूसरा थाल किसके लिए लगाया है? पार्वती जी बोली, दूसरा थाल पुत्र गणेश के लिए है जो बाहर पहरा दे रहा है। यह सुनकर शंकर जी ने कहा, मैंने तो उसका सिर काट दिया है। यह सुनकर पार्वती जी बहुत दुखी हुई और प्रिय पुत्र गणेश को पुनः जीवित करने की प्रार्थना करने लगी। शंकर जी ने तुरंत के पैदा हुए हाथी के बच्चे का सिर काटकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। तब पार्वती जी ने प्रसन्नता पूर्वक पति पुत्र को भोजन कराकर स्वयं भोजन किया। यह घटना भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुई थी, इसलिए इसका नाम गणेश चतुर्थी पड़ा। आप गणेश जी को, भगवान गणेश को पूजन करके अर्चन करके लाभ पा सकते हैं। आपको हर तरह से सामाजिक आर्थिक मानसिक लाभ होगा और धन धान्य संतान सुख दाम्पत्य सुख पारिवारिक सुख सभी प्राप्त होंगे और विघ्नहर्ता गणेश जी आपके सारे कष्टों विघ्नों बाधाओं को दूर कर लेंगे। नमस्कार प्रियजनों, यानी आप सबका हमारे चैनल में बहुत पूजा स्वागत है। आप पूर्ण